राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक शहर में स्थित बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक स्थल है जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण से बहुत गहरा संबंध रखता है। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ों का समूह है जहां भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। इन 5 बरगद के पेड़ों के पास स्थित बहुत ही पवित्र और आकर्षक सीता गुफा है। इसी जगह पर पुरानी पर्णकुटी हुआ करती थी। सीता गुफा बहुत ही संकरी है जिसमें सीढ़ी से गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। गुफा में थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की बहुत ही मनमोहक मूर्तियां दिखती हैं। कुछ और सीढ़ियां नीचे उतरने पे हमें सीता माता का श्रृंगार गृह दिखता है। इसी गुफा में शिवलिंग भी स्थापित है। वनवास के दौरान शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा सीता जी करती थी। सीता गुफा के बिल्कुल सामने ही सीता हरण एग्जीबिशन है जिसमें रामायण के कुछ प्रसंग दिखाए गए हैं। सीता गुफा के पास ही गोरेराम मंदिर है। सीता गुफा से 100 मीटर की दूरी पर नासिक शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक कालाराम मंदिर है। पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ेकर द्वारा यह मंदिर 1782 में नागर शैली में निर्मित कराया गया था जो लगभग 1788 में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर में विराजित प्रभु श्रीराम की मूर्ति काले पाषाण से बनी हुई है, इसीलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। प्रभु श्रीराम के साथ ही यहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी की भी आकर्षक मूर्तियां विराजमान हैं। कालाराम मंदिर का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। माना जाता है कि कालाराम मंदिर का निर्माण पर्णकुटी के स्थान पर किया गया था जो कि पहले नाथपंथी साधुओं का निवास स्थान हुआ करता था। इन साधुओं को एक दिन भगवान राम की मूर्ति अरुणा वरुणा नदी के तट पर प्राप्त हुई और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान राम की मूर्ति की स्थापना कर दी। पेशवाओं के शासनकाल में मातोश्री गोपिकाबाई के आदेशानुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण में उस समय लगभग 23 लाख रुपयों का खर्चा हुआ था। दोस्तों ये था नासिक का प्रसिद्ध कालाराम मंदिर। अब हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर कालाराम मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।